नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के पीछे चावल न खाने का रहस्य। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत अति फलदायक माना जाता है। एकादशी के दिन चावल न खाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है, वह व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। लेकिन द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन, इन 11 को जो साध ले, वह व्यक्ति एकादशी के समान पवित्र हो जाता है। एकादशी के दिन शरीर के में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत उतना ही सात्विकता से पूर्ण होगा। महाभारत काल में भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को निर्जला एकादशी करने का सुझाव दिया था, और नारद ने भी 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। चावल न खाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि महर्षि मेधा माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत होकर अपने योग बल से अपना शरीर छोड़ देते हैं, और उनकी मेधा पृथ्वी में समा जाती है, और वही मेधा जौ व चावल के रूप में उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यह घटना एकादशी के दिन घटी थी। यह जौ और चावल महर्षि की मेधा शक्ति हैं। जो जीव हैं, इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है। आज भी जौ व चावल को उत्पन्न करने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा करने से ही ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूपी मानते हैं। जीव रूपी मानते हुए एकादशी को चावल खाना निषेध माना जाता है, क्योंकि महर्षि मेधा का अंश जिस दिन पृथ्वी में समाया, उस दिन एकादशी तिथि थी। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि चावल की खेती पानी में ही होती है, इसलिए इसमें पानी का प्रभाव अधिक होता है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। जल को अग्नि का और चंद्रमा को सूर्य का विपरीत माना गया है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव जल पर अधिक होता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, जिससे मन चंचल और विचलित हो जाता है, और यदि व्रती स्त्री चावल का भोजन करे तो चंद्र किरणें उसके शरीर में संपूर्ण जलीय अंशों को तरंगित करती हैं, जिससे मन चंचल होता है और एकाग्रता में बाधा पड़ती है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना वर्जित कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।